अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे। विधानसभा में सरकार का पहला पेपरलेस बजट पेश होगा। आज मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट बताएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट पर यह बजट आधारित होगा। जिस तरीके से जो है बात कही जा रही, बजट में ना कोई नया टैक्स और ना ही कोई बड़ी घोषणा की गई है। 2,40,000 करोड़ तक का ये बजट रहेगा। बजट में देखने को मिलेगा निकाय चुनाव का असर, देखने को मिलेगा इस बजट में। इस बार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है सरकार। तो बजट को लेकर जो है काफी कुछ जनता की उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोई नया टैक्स नहीं होगा, ना ही कोई बड़ी घोषणा, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक जरूर इस बजट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट पर ये बजट आधारित है। बजट में निकाय चुनाव का असर भी देखने को मिलेगा। पर्यटन को उभारने की कोशिश रहेगी सरकार की। कई योजनाओं को बजट की जरूरत है।